चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज आल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। दिल्ली मेट्रो रेल निगम की लेट लतीफी को देखते हुए दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार मेट्रो से पहले डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली परिवहन विभाग ने इस सेवा को शुरू किए जाने के लिए पूरा खाका लगभग तैयार कर लिया है। इस बाबत कैबिनेट नोट शुक्रवार को दिल्ली सरकार के पास भेज दिया गया। इस पर योजना, कानून व वित्त विभाग से उनकी टिप्पणियां ली जाएंगी। इसके बाद इसे स्वीकृति के लिए दिल्ली सरकार की कैबिनेट में लाया जाएगा। माना जा रहा है कि यह सारी प्रक्रिया पूरी कर अगले शुक्रवार तक इस सेवा को कैबिनेट से मंजूरी दे दी जाएगी। इसके बाद जल्दी ही यह सेवा दिल्ली में शुरू कर दी जाएगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार डीटीसी और क्लस्टर की बस मिलाकर करीब 5500 बसों में इसे लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने मेट्रो और बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर का तोहफा देने की घोषणा की थी। सरकार चाहती थी कि मेट्रो और बसों में दोनों जगह एक साथ ही यह सेवा शुरू की जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर डीएमआरसी पर खासा दबाव बनाया हुआ है, मगर मेट्रो में इस सेवा को शुरू करने में अभी ज्यादा वक्त लगने की संभावना है। डीएमआरसी ने इस बारे में जो रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी है उसमें दो स्कीमों का जिक्र किया गया है। इसमें एक स्कीम सॉफ्टवेयर में बदलाव को लेकर है जिसमें लगभग एक साल तक का समय लगने की बात कही गई है। वहीं दूसरी स्कीम टोकन लेकर मुफ्त में सफर करने की है। इसके लिए मेट्रो ने 8 महीने का वक्त सरकार से मांगा है। आपको बता दें कि मेट्रो ने दो तरह के तरीकों पर चर्चा की थी। पहला यह है कि महिलाएं मेट्रो में टोकन व कार्ड से भी यात्रा कर सकेंगी, जबकि दूसरे तरीके में केवल टोकन को ही विकल्प बताया गया था। इसी प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार भी राजी है। इस योजना के लिए गुलाबी रंग के टोकन जारी किए जाएंगे। महिलाओं के प्रवेश के लिए अलग से द्वार बनाए जाएंगे। यही नहीं, इसके लिए डीएमआरसी को सॉफ्टवेयर में भी कोई खास बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होगी। योजना डीटीसी की बसों में लागू करने पर प्रतिवर्ष करीब 1200 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर पड़ेगा। दिल्ली सरकार इसे वहन करने के उपाय खोज रही है। वैसे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मेट्रो व डीटीसी के अधिकारियों से कहा है कि यह योजना हर हाल में और जल्द से जल्द लागू कर दी जानी चाहिए। बसों व मेट्रो में करीब 33% यात्री महिलाएं होती हैं। सरकार इस योजना को बसों और मेट्रो में एक साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के पूर्व लागू करना चाहती है। क्लस्टर स्कीम की बसों में अब यह योजना बेहद जल्द लागू हो जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।